मंडलायुक्त रवि कुमार रंजू की अध्यक्षता में शैक्षिक उन्नयन अभिप्रेरण एवं नेतृत्व विकास हेतु शिक्षक संवाद का आयोजन शनिवार को कैब डायट सभागार में किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि बच्चों के विकास में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उसमें गुणात्मक सुधार लाया जाए और कार्य संस्कृति को विकसित की जाए। शिक्षक और चिकित्सक की मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जहाँ शिक्षक शिक्षा प्रदान कर बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, उसी प्रकार चिकित्सक चिकित्सीय व्यवस्था के माध्यम से जीवन की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि टीम वर्क की भावना से जब कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से उसके बेहतर परिणाम सामने आते हैं। जीवन में जब तक सीखने की लालसा नहीं होगी, आगे बढ़ने की परिकल्पना साकार नहीं होती है। इसलिए शिक्षक अच्छे ढंग से पूरे मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य संपन्न कराएं और यदि कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण करें, जिससे विद्यालय का नाम रोशन होगा और छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मंडलायुक्त ने कहा कि शिक्षक पीटीएम माह में कम से कम 2 बार अवश्य आयोजित करें तथा बच्चों की प्रगति से अभिभावक को अवगत कराएं, जिससे बच्चों के मनोबल में वृद्धि होगी। संवाद कार्यक्रम में बीएससी रमेंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य डायट डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डायट के प्राचार्य डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और बीएससी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा, अगले बार में वो उससे दुगना इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को समझाना कि ये करना क्या चाहिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही नहीं शुरू करेंगे उनकी माँ बाप के साथ इंटरेक्शन, आप उनकी मन की और उनकी जो मन की बात आप सुनना चाहिए और उसको सलूशन आपको देते रहना चाहिए। और उसका कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है अधिकारी जाते हैं, मैं कहता हूँ 5-6 घंटे आप उस स्कूल में बैठने का समय है तो आप उस स्कूल का इंस्पेक्शन करो, अदरवाइज मत। हमें मिनिमम 3-4 घंटे बैठ करके उस टीचर की प्रॉब्लम समझ करके उनको किस तरीके से हमें गाइड करना चाहिए, नहीं करेंगे तो आप जो बोल रहे हो उनके टीचर के समझ में नहीं आएगा। टीचर जो समझाना चाहते हैं आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वही क्या रहेगा। तो वीडियो बन गया है ने अपने स्कूल से संबंधित और अपने कार्यों से संबंधित अपनी उपलब्धियों पर भी काफ़ी कुछ जानकारी आज महोदय को दी और विद्यालय से संबंधित एकेडमी से संबंधित कुछ समस्याओं के भी प्रकाश डाला। सर ने बहुत ही व्यवहारिक तरीके से बिल्कुल अपने जीवन के जो अनुभव हैं विभिन्न जनपदों से संबंधित और बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए उस पर बहुत ही सारगर्भित तरीके से बहुत व्यापक स्तर से और मोटिवेट करते हुए उनको समझाया और उनका उत्साहवर्धन किया और विशेष रूप से लीडरशिप के बारे में भी काफ़ी विस्तार से बताया। सर संवाद हुआ तो क्या कुछ इस तरह की समस्याएं भी आई हैं? हाँ, निसंदेह स्कूलों में शिक्षक काम कर रहे हैं, समाज से आसपास के परिसर से छोटी मोटी कभी दिक्कतें आती भी हैं, उसको भी सर ने काफ़ी सहानुभूति से उनको समझाया भी है और मोटिवेट किया। साथ ही में कुछ प्रसंग अपने पास नोट भी कर लिए अपने और जिसको कि प्रशासनिक स्तर से जैसे वाह लोगों से कोई दखल है, कोई समस्याएँ हैं, कोई अड़चने हैं, उसको भी उन्होंने नोट किया है और उसका समाधान करेंगे। शिक्षक बहुत ही प्रसन्न हैं और बहुत ही उत्साहित हैं और सभी ने खुल करके अपनी बातें कही। इस संवाद के माध्यम से हम लोग अपने उच्च अधिकारियों से संवाद कराते हैं अध्यापकों का, क्योंकि जब हम संवाद कराते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं और हमारे अच्छे अध्यापक हैं वो यहाँ अपना कार्य प्रेजेंट भी करते हैं, तो इससे
जिले में एक भावना जाएगी अच्छे कार्य करने की, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे अच्छे अध्यापक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम सभी शिक्षकों से ये अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग खूब मेहनत से कार्य कीजिए, और कोई समस्या है तो हम लोग समाधान के लिए भी हमेशा तैयार हैं।